आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रवा हलवा, सूजी का हलवा, जिसकी रेसिपी बहुत ही इजी है और बिल्कुल उस तरह की है जिस तरह की हमें प्रसाद में मिलती है या बहुत ही सॉफ्ट है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो आसानी से देख सकें, और वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। तो आप ये देख सकते हैं ये हलवा जो है कितना सॉफ्ट बना है, मतलब एकदम नरम नरम और एकदम वैसा है जैसा कि हमें प्रसाद में मिलता है, अष्टमी नवमी के प्रसाद में मिलता है या फिर जब सतरन की पूजा होती है उसमें बनाया जाता है। तो बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी झंझट नहीं होता इसे बनाने में। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे इसे मैंने बनाया है। सबसे पहले जो हमें है इसे बनाने के लिए एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको सूजी और घी की क्वांटिटी थोड़ी सी मतलब अच्छे से लेनी है। अगर आपने एक कप सूजी लिया है तो आपको हाफ कप घी चाहिए होगा, अगर आपने एक किलो सूजी लिया है तो आपको आधा किलो घी चाहिए होगा, और अगर इससे ज़्यादा घी ले सके तो अच्छा है। घी जितना ज़्यादा आप ऐड करेंगे आपका हलवा उतना ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे मैं एक कप सूजी का बना रही हूँ, तो मैंने हाफ कप घी लिया जिसमें से मैंने आधा घी ऐड कर दिया है कढ़ाई में, और 2 से 3 चम्मच घी मैंने बचा के रखा है। इसके साथ काजू बादाम, पिस्ता, सूखा नारियल, चिरौंजी, और मैंने यहाँ पे किशमिश ली है जिसे मैं घी में अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक कि हमारे ड्राई फ्रूट क्रंची हो जाए और जो हमने किशमिश लिया है, मुनक्का लिया है, वो अच्छे से फूक जाए। तो ड्राई फ्रूट देखिए यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है, इसे एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे और इसके आगे का प्रोसेस देख लेते क्या करना है। तो यहाँ पे जो घी मैंने डाला था जिसमें ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट किए हैं, फ्राई किया है, वही घी में मैंने यहाँ पे एक कप सूजी डाल दी है। जो कप मैंने लिया था घी का वो हाफ कप था और ये 1 कप है, तो 1 कप सूजी डाल दिया। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, अच्छे से इसका कलर चेंज होने तक रवे का अच्छे से मिक्स करना है। जब आधा ये फ्राई हो जाए तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं इलायची। तो यहाँ पे 3 इलायची ली थी मैंने, जिसे मैंने थोड़ी सी दरदरी कूट ली और इसमें ऐड कर दिया है। और रवा को मैंने जो सूजी है उसे अच्छे से मैंने भून लिया है, साथ में मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी के लिए 2.5 कप पानी गर्म करने रखा है। तो हमें इसमें गर्म पानी ऐड करना है, ये इसका टॉप सीक्रेट है। अगर आप इसमें गर्म पानी ऐड करते हैं तो आपका हलवा बहुत ही अच्छा बनता है, फिर चाहे आपने घी कभी क्यों ना ऐड किया हो। तो यहाँ पे देखिए सूजी का कलर अच्छे से रेड हो चुका है, अच्छे से सूजी हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें गैस का फ्लेम स्लो करके पानी धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। तो पहले यहाँ पे 2 कप के लगभग मैंने पानी ऐड किया और 1/2 कप पानी मैंने बचा लिया है, तो देखते ज़रूरत पड़ी तो ऐड करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे 7 से 8 चम्मच पानी जो है वो साइड में रख दिया, बचा लिया है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मतलब 2.5 कप से थोड़ा सा कम मैंने पानी ऐड कर दिया है। इसके साथ शक्कर ऐड किया है मैंने, शक्कर 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा था, तो मीठा आप अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने देखिए शक्कर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल नहीं करना है अभी, और स्लो फ्लेम पे हमें इसे 3 मिनट तक ढक देना है, 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे 2 से 3 मिनट ढक दिया था। इसके बाद ओपन कर लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर लेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए हमें पका लेना है। तो ये सूजी का हलवा जो है आप इसे जितना पकाएंगे उतनी ही ये गाढ़ी होती जाएगी और ये बिल्कुल भी वैसी पानी जैसी लगेगी। अभी आप देखना ये कितनी टेस्टी बनेगी। और यहाँ पे देखिए गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम हाई करके इसे कंटिन्यू मैं चला रही हूँ। इस टाइम पे मैं इसमें जो ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे सारे इसमें, और यहाँ इसमें भी घी है प्लेट में तो इसे भी हम अच्छे से निकाल लेंगे, और सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम मिक्स कर लेंगे। और जो साइड में हमने थोड़ा सा घी बचा के रखा था 2 से 3 टेबल स्पून, वो हम इसमें डाल देंगे, घी को भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐसे अगर आप ऊपर से घी ऐड करेंगे ना तो आपका हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर आपने स्टार्टिंग में कम घी ऐड किया है तो भी अगर आप एंडिंग में इस तरह से घी ऐड करेंगे तो आपका जो हलवा है वो एकदम जैसा प्रसाद में मिलता है उसी तरह का हलवा बनके तैयार होगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए साइड में घी जो है वो अलग आ रही है, और ये देखिए ये जो सूजी का हलवा है ये एकदम दानेदार बना है, आप देख सकते हैं एक एक दाना इसका अलग अलग है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा बना है मतलब। तो देखिए ये पक चुका है, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे। तो जो ये हलवा है ये 7 से 8 मिनट में बनके तैयार हो जाता है, और इसके बाद इसे मैंने सर्व कर लिया है। तो आप इस तरह से जो है हलवा बना के अपने घर पर ट्राई ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये हलवे की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।